हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौबिया, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा तो मानना है कि सबके पास में एक हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर होना चाहिए। और मुझे तो ये भी लगता है कि जो पहले हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहते थे, वो 2020 के बाद में जरूर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेंगे। अब बात ये आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है, बट ऐसा भी नहीं कि एक दो कंपनी है, कई सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। तो आप कौन सी कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदोगे? कई सारे प्लान अवेलेबल हैं, तो कौन सा प्लान खरीदोगे? तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो मन में आती है। तो इस वीडियो में मैं आपको वो 10 चीजों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। पहले तो थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। तो अगर इसको नॉर्मल वे में समझे तो हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है कि जिसमें आपको प्रीमियम देना पड़ता है और उस प्रीमियम के बदले हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ कवर देती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट में जो कवर होगा उसी का ही फायदा आपको मिलेगा। तो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाह रहे हैं तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पहले नंबर पे आपको देखना है कि को पेमेंट चार्जेस। इसका मतलब ये कि अगर आप कोई क्लेम करते हो तो उसमें से कुछ पैसा आपको भी देना पड़ेगा। उदाहरण के लिए सपोज कि किसी ने 1 लाख का क्लेम किया। अब 1 लाख के क्लेम पे अगर को पेमेंट चार्जेस 30% है, इसका मतलब ये हुआ कि 30,000 इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 70,000 का खर्चा बियर करेगी, 30,000 का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी बियर नहीं करेगी। तो क्या ऐसा होता है कि हर कंपनी के प्लान में को पेमेंट चार्जेस होता है? नहीं होता है। तो आपको देखना है, जब आप सीनियर सिटीजन का प्लान देखोगे तो उसमें मोस्टली आपको हो सकता है कि मिले कि को पेमेंट चार्जेस हैं, बट ये नहीं कि हर जगह को पेमेंट चार्जेस होता है। अगर आप को पेमेंट चार्जेस के साथ में भी आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि दूसरे बेनिफिट्स ज्यादा होने चाहिए पहला, और दूसरा को पेमेंट चार्जेस का परसेंटेज कम होना चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि वेटिंग पीरियड ऑन सर्टेन डिजीज। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि जिस दिन हमने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले ली, ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्स हो गया, उसके बाद में चाहे जो भी बीमारी हो हर बीमारी कवर होती है, ऐसा नहीं है। कई सारी बीमारियों के लिए वेटिंग पीरियड होता है। ऐसा भी नहीं कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है तुरंत पॉलिसी लिए और ले लिए, नहीं। तो हर चीजों के लिए वेटिंग पीरियड, आपको देखना है कि वेटिंग पीरियड कौन से डिजीज के लिए कितना है। और ये वेटिंग पीरियड ऐसा नहीं 1 महीना 2 महीना, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। तो कोई सोचता है कि सब कुछ कवर हो जाता है एक बार पॉलिसी लेने में, तो ऐसा नहीं है। तो आपको जरूर से जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं तो उस समय ये जरूर देखना है कि वेटिंग पीरियड कौन कौन सी बीमारी में कितना है। तीसरा ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमने बात कर लिया कि कुछ बीमारियों में वेटिंग पीरियड का, अब यहाँ पे अगर किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, जिस समय पॉलिसी लिया जा रहा है उस समय अगर किसी को कोई डिजीज है, चाहे वो बीपी प्रॉब्लम हो चाहे और भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक क्लॉज होते हैं। तो उसको भी देखना है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के साथ में कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसको देखना है कि उस डिजीज के कारण क्या क्लॉज है, उस डिजीज के कारण क्या उसको प्रीमियम कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, या फिर वो डिजीज का कितना कवर मिलेगा, ये सभी जानकारी भी जरूर होनी चाहिए। चौथा ये भी इम्पोर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन कवरेज। अब ये भी है कि अब चलो आपने पॉलिसी ले लिया, चलो सम एश्योर्ड है 5 लाख का, मतलब अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्थिति आती है जिसमें क्लेम करना होता है तो मैक्सिमम क्लेम 5 लाख का हो सकता है। ठीक है, यहां तक तो सही है, क्योंकि 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख का कवर मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बोल सकता है, लेकिन उसके आगे भी कई सारे ऐसे सब क्लॉज होते हैं जिसको समझना जरूरी है। जैसे कि जो 5 लाख का लिमिट है उसके बाद में सब लिमिट आ गया, मतलब सब लिमिट बोले तो कि अब एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए या एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए मैक्सिमम अगर 2 लाख है, हालांकि 5 लाख का सम एश्योर्ड है, लेकिन एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए अगर 2 लाख का सब लिमिट है तो 2 लाख से ज्यादा का फायदा नहीं मिल सकता है। तो
तो ये भी देखना है कि इस तरह से कोई सब लिमिट तो डिफाइन नहीं है, अगर सब लिमिट डिफाइन है तो उसको भी आपको पढ़ना है। पांचवा, ये आपको ध्यान देना है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस मेनली 1 साल का होता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस तो फिर 25 साल, 50 साल इतने का ले सकते हो, लेकिन जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती है तो हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है। जब रिन्यू करना पड़ता है तो आपको ये जरूर देखना है कि उसका कोई क्या प्री कंडीशन है रिन्यूअल का। तो ये नहीं कि जब आप फर्स्ट टाइम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं उसी समय आपको ध्यान देना, नहीं, आपको ये भी ध्यान देना है कि आगे जो रिन्यूअल होगा उसमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई होते हैं, क्या आपको फायदा मिल सकता है। जैसे कि नो क्लेम बोनस, तो रिन्यूअल के समय आपको नो क्लेम बोनस कितना मिल रहा है, या फिर और भी दूसरे जो कंडीशन है, तो वो आपको ध्यान में देना है। छठवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझना है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज। कोई भी हेल्थ पॉलिसी लोगे उसमें ये बिल्कुल रहेगा कि कितने दिन, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन पहले तक का खर्चा और हॉस्पिटलाइजेशन के कितने दिन बाद का खर्चा मिल सकता है। तो किसी में 30 दिन का पीरियड होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज कितना मिल रहा है। ये सभी जो 10 पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये आपको काम आएगा जब आप कोई दो इंश्योरेंस पॉलिसी को जब आप कंपेयर करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये तो काफी डिफरेंस दिख रहा है, तो ये जरूर ध्यान पे रखना है आपको। सातवां, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि अब आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मन बना लिया, ठीक है, चाहे वो कोई एजेंट के थ्रू हो चाहे आपने खुद ही चुना है। अब जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उस समय एक चीज ध्यान में नहीं रहता है, उस समय ये ध्यान में रहता है कि कितना कम हमें प्रीमियम लग रहा है। तो आपको ये नहीं कि प्रीमियम कम लग रहा है तो बस वो पॉलिसी ले लो, आपको यहाँ पे ये देखना है कि अब सपोज आप जिस सिटी में रहते हो उस सिटी में अगर कोई ऐसा नेटवर्क का हॉस्पिटल नहीं है तो होगा क्या। अब नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं होगा तो ठीक है, आपको पहले पे करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको क्लेम करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये है कि बेटर आप ये फाइंड करो कि जो भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हो, देखो कि आपके सिटी में आसपास में कितने सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कि नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल में आते हैं और आपको वहां पे कैशलेस बेनिफिट मिल सकता है। और अधिकतम केस में ये होता है कि जो भी हॉस्पिटल नेटवर्क में आते हैं उनमें कैशलेस फैसिलिटी होती है। इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो सीधा हॉस्पिटल जाना है, पैसा वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि आपके सिटी में जरूर से नेटवर्क हॉस्पिटल अवेलेबल हो। आठवां, ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्लेम प्रोसेस कैसा है। अब जैसे कई सारी इंश्योरेंस कंपनी टीपीए के थ्रू क्लेम प्रोसेस कराती है या खुद भी करती है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जो क्लेम प्रोसेस है वो सिंपल होना चाहिए, कि बड़ा सा लेंदी पेपर वर्क ना हो, कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हों ऐसा ना हो, प्रोसेस स्मूथ होना चाहिए। और बेस्ट तो है कि कैशलेस फैसिलिटी लो, वो फायदेमंद है। नौवां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस अमाउंट। अधिकतर जब बात होती है तो बात ये होती है कि किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है कि नहीं लिया है, बल्कि बात ये होनी चाहिए कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया गया है और उसमें सम एश्योर्ड कितना है। अब किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया उसमें सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपए का। अब उस 1 लाख रुपए के लिए अगर प्रीमियम दिया जा रहा है तो कई बार ये सोच सकते हैं कि यार 1 लाख रुपए तक का ही कवर है, उससे अच्छा तो 1 लाख रुपए जमा कर लो और प्रीमियम देने की क्या जरूरत है। लोगों में ये भी थॉट आता है। तो कई सारे वे हैं जिसमें आप इंश्योरेंस अमाउंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि आपकी सिटी में हार्ट सर्जरी का खर्चा कितना है, ऐसे कोई बेस लेके जो है बेटर होता है कि इंश्योरेंस अमाउंट डिसाइड करना। बाकी सही तो ये है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट सम एश्योर्ड बढ़ते जाना चाहिए, और 5 लाख तो आइडल है। और बेटर ये है कि फैमिली वालों को तो सिंगल पॉलिसी के बजाय फ्लोटर प्लान लेना चाहिए, ताकि उसमें वो उनके बच्चे सभी एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएं। और इससे होता ये है कि जो सम एश्योर्ड है वो एक तो ज़्यादा का हो मिल जाएगा, और दूसरा ये कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो फ्लोटर प्लान के कारण एक मेंबर को ज़्यादा सम एश्योर्ड का बेनिफिट मिल सकता है। दसवां, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फैमिली हेल्थ। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उस समय उसको सिर्फ अपना ध्यान और अपने उस समय का हेल्थ कंडीशन को सिर्फ ध्यान रख के हेल्थ पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए,
कई सारी चीजें हैं देखने के लिए, जैसे कि मेन तो आपको फैमिली का मेडिकल हिस्ट्री देखना चाहिए, उसके हिसाब से फिर सम एश्योर्ड का डिसाइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये तो थे कुछ 10 पॉइंट, इसके अलावा कई सारे चीजें हैं जो कि आप और देख सकते हो, जिसमें से एक है कि क्लेम सेटलमेंट, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जब क्लेम सेटल करती है तो उसका परसेंटेज क्या है, जितना ज्यादा क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है उनका कैशलेस प्रोसेस होगा एक, और दूसरा जो है वो कंपनी रेपुटेड होगी। तो दोस्तों ये तो हो गए कुछ 10 पॉइंट जिसको आपको समझना है जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो उसके पहले। बाकी आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर ही कुछ पॉलिसी का डिटेल के साथ में, या सीनियर सिटीजन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, या फिर बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कितना जरूरी है, ये सब के बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा और आपको फायदा हो सकता है। आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। बाकी दोस्तों चूंकि मेरे वीडियो के टॉपिक सिर्फ इंश्योरेंस से रिलेटेड नहीं होते हैं, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, एनपीएस, अटल पेंशन योजना, कई अलग अलग टॉपिक पे, बट थीम मेन फाइनेंशियल थीम पे रहता है, तो आगे चल के मैं ये कोशिश करूंगा कि ये सभी अलग अलग कैटेगरी का प्लेलिस्ट बना दूं ताकि आपको एक पर्टिकुलर कैटेगरी का वीडियो देखने में आसानी हो। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।